हेलो फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर अंकित जैन और आज का टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ एरियॉन्स फ्रेंड्स द वायरसेस आर कंपोज ऑफ एसिड वायरल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स और इन्विलप्स लास्ट वीडियो में मैंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं इस वीडियो में वायरल प्रोटीन्स के बारे में और लिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे वायरल प्रोटीन्स वायरसस में स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल दो टाइप के होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में कैप्सिड ग्लाइको प्रोटीन्स मेट्रिक्स प्रोटीन्स फ्यूजन प्रोटीन्स आते हैं कैप्सिड कैप्सोमियर का बना होता है और कैप्सोमियर एक सिंगल यूनिट है जहाँ तक हम ग्लाइको प्रोटीन की बात करें तो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरसेस में हिमाग्लूटिन और न्यूरोडेज टाइप के ट्राइमस या फिर टेट्रामस होते हैं और ये टेट्रामस कुछ मशरूम शेप के दिखाई देते हैं लेकिन फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स केवल एनवेलप्ड वायरसेस में नहीं होते ये नॉन एनविलप्ड वायरसेस में कैप्सिड के साथ भी अटैच्ड रहते हैं इसमें जो ग्लाइकेन मोइटी है वो बेसिकली एक शुगर है जो कि ऑलिगोसेकराइट से हैं और ये ऑलिगोसेक्राइड्स प्रोटीन के साथ में एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ बाउंड रहते हैं तो फ्रेंड्स ग्लाइकोप्रोटीन मेनली हेल्प करते हैं वायरस की इन्फेक्टिविटी को और वायरस को इन्फेक्शस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अब बात करते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन की मैट्रिक्स प्रोटीन जनरली एनवेलप के भी नीचे वाली एक लेयर होती है जो कि वायरस को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है अब बात करते हैं फ्यूज़न प्रोटीन्स की फ्यूज़न प्रोटीन्स मेनली एक वायरस को किसी होस्ट के साथ फ्यूज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी कारण फ्यूजन प्रोटीन को हम फ्यूज़न प्रोटीन कहते हैं अब बात करते हैं नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में मेनली एंजाइम्स आते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि वायरस की असेंबली को सपोर्ट करते हैं लेकिन अल्टीमेटली वरियॉन के स्ट्रक्चर में शामिल नहीं होते इनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो वायरस के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये एंजाइम्स हैं रेप्लिकेस, ट्रांसक्रिप्टेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिज हेलिकोट लाइग फ्रेंड्स एग्जाम्स में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किन किन वायरसेस में मिलता है तो ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है ये आपको याद रखना है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रेट्रोवाइरसेस एंड हेपेटना वायरसेस में मिलता है जो कि आरएनए से डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिपिड्स एंड इन्वेलप्स सो फ्रेंड्स जो लिपिड्स हैं वो बेसिकली इनवेलप होते हैं और ये एक वायरस के कैप्सिड को सराउंड करते हैं जो इनवेलप है वो मोस्टली होस्ट कोडेड होता है यानी कि होस्ट से आता है इसमें भी डिफरेंट टाइप के इन्वेलप के पैटर्न होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम पैरामिक्जो वायरस की बात करें तो पैरामिक्जो वायरस में होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन्वेलप बनता है वहीं हम बनिया वायरस एंड कोरोना वायरस की बात करें तो इसमें इंट्रा सेल्यूलर ऑर्गेनल्स से एनवेलप बनता है फ्रेंड्स एनवेलप मोस्टली वायरसेस में ड्राई बेसिस पर 25 से 30 परसेंट होता है और इसमें से भी लगभग 50 से 60 परसेंट फॉस्फोलिपिड्स होता है एंड लगभग 40 परसेंट कोलेस्ट्रॉल होता है सो so, फ्रेंड्स ये था केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरसेस तो ये था आज का टॉपिक यदि आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें धन्यवाद